सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर न्यू प्रियो। सो गाइस न्यू ओपी कार विद एबिलिटी। देखो सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे कार निकालेंगे और यहाँ पे जो कार है ये एबिलिटी वाला कार है और इसका जो स्पीड एबिलिटी है वो एकदम से भाई एकदम तगड़ी है। सबसे पहले फर्स्ट नहीं ऐसे तो बहुत सारे आ चुके हैं। सो यहाँ पे काफी टाइम बाद एक एबिलिटी वाला कार आया है। बिडा इसके अंदर बहुत सारे आते हैं बट ये एबिलिटी वाला है तो ये थोड़ा अलग है। सो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, अपने लोग यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे इस कार को निकालने के बाद अपने लोग गेम में इस कार को टेस्ट करेंगे। जो नॉर्मल कार है मतलब विदाउट स्किन कार है वो ज्यादा स्पीड है या फिर ये जो एबिलिटी वाला कार है जिसका स्पीड की एबिलिटी है वो ज्यादा बेस्ट है। सो ये चीज टेस्ट तो करने वाले हैं तो चलो टेस्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक तो हमने निकाला नहीं है तो सबसे पहले हमें निकालने होंगे ये वाला कार। सो यहाँ पे अभी हमने निकाला ये शायद लूट बॉक्स कुछ ऐसा है, ठीक है चलो इसको साइड में रखते हैं। अब अपने लोग निकालेंगे कार और इसके लिए अपने को अच्छा खासा टोकन देना पड़ा ग्रेना वालों को। एबिलिटी देख लो साइड में लिखा हुआ है मतलब एबिलिटी है। चलो मैं एबिलिटी तो आपको बता ही देने वाला हूँ कि एबिलिटी क्या है। सो सबसे पहले चलो यहाँ पे अपने को चाहिए टोकन एंड टोकन भाई एंड टोकन यहाँ पे डायमंड से मिल रहा है तो मतलब गए अपने डायमंड और मिला गया टोकन। चलो यहाँ पे इस टोकन से अपने लोग कार को निकाल लेते हैं और ये कार मतलब अपने लोग अनलॉक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले चलो अनलॉक कर लिया हमने और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। देखो एबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ और बिना एबिलिटी का इसको टेस्ट करने में अच्छा भी नहीं लगेगा तो एबिलिटी आप जान लो सबसे पहले। तो सबसे पहले ओके पे क्लिक करते हैं एंड चलते हैं कार वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे मतलब सबसे पहले देखो इसकी एबिलिटी टॉप स्पीड डबल है मतलब जैसे डबल डायमंड होता है इसे डबल टॉप स्पीड है और यहाँ पे डायमंड रिडक्शन मतलब वो प्लस है और जो इसका हैंडलिंग है मतलब वो माइनस है मतलब मूव करने में, ठीक है। बाकी यहाँ पे एबिलिटी मतलब हैंडलिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट एबिलिटी की बात करोगे भाई आप जानना चाहोगे तो कितना डिफरेंस है बता दूं। डबल स्पीड है तो एकदम से भाई 300 के स्पीड पे जाएगा गाड़ी ऐसा कुछ सोचे होगे तो टेस्ट कर लो सबसे पहले फिर मैं आपको बताता हूँ कितना डिफरेंस है और कितना डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपने लोग को मिलता है ये कार और अपने लोगों ने यहाँ पे टाइमिंग लगाया था और यहाँ पे देखो टाइमिंग स्टार्ट है और टाइमिंग स्टार्ट जब होता है फर्स्ट तो अपने लोग टेस्ट करेंगे इस कार को क्योंकि ये एबिलिटी वाला है और यहाँ पे इस कार का मतलब टेस्ट करेंगे कि कितने सेकेंड में ये मतलब जो हमने टारगेट फिक्स किया है और उसके बाद सेम टारगेट में विदाउट स्किन जो कि विदाउट एबिलिटी होगा वो चीज देखना है। देखो यहाँ पे स्किन मायने नहीं है एबिलिटी मायने है बिकॉज इस कार में एबिलिटी है और उस कार में एबिलिटी नहीं होने वाला है जो यहाँ पे अपने लोग विदाउट स्किन यूज करेंगे। सो यहाँ पे चलो सबसे पहले यहाँ पे देखते कितने सेकेंड तो 31-32 सेकेंड हो चुके हैं जो कि अपने लोगों ने यहाँ पे ये जो पुल है इसको अपने लोगों ने क्रॉस का टाइमिंग बनाया मतलब जहां पे पुल क्रॉस होगा वही टाइमिंग को हम लोग स्टॉप कर देंगे मतलब वही अपना रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल यहाँ पे होता ही है कि ये लगभग 49 सेकेंड मतलब एकदम यहां तक पहुंचने में 49 सेकेंड लगे। अब चलो यहाँ पे ये तो हो गया 49 सेकेंड। अब अपने लोग विदाउट स्किन मतलब एकदम नॉर्मल को यूज करते हैं सेम कार को, ठीक है ये भी स्पोर्ट कार है और इसी कार का स्किन था वो। तो सो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे देखते हैं कितने सेकेंड लगता है और यहाँ पे एक चीज मैंने बताना भूल गया वहां पे वो जो कार है 170 का स्पीड भी पकड़ लेता है। सो उसकी स्पेशलिस्ट है डिफरेंस कितना ये चीज देखो। तो डिफरेंस आप लोग देखना चाहते हो तो चलो अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। और अपने लोगों ने फुल पिकअप के साथ मतलब सेम एकदम सेम कार चलाया था सेम रोड था सेम हर चीज था मतलब सेम ट्राई किया और फिर देखना डिफरेंस कितना आता है सबसे मेन चीज वही है। अब देखो यहाँ पे 29 सेकेंड हो चुके हैं 30 सेकेंड भी हो चुके हैं मतलब अपने लोग यहाँ तक पहुंचने में इतने टाइम लगे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितने डिफरेंस आता है मेन चीज यही देखना है अपने लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे उसकी एबिलिटी आप लोगों को पता है टॉप स्पीड डबल मिलता है मतलब वहां पे और यहाँ पे कोई भी टॉप स्पीड डबल नहीं है मतलब ये एकदम नॉर्मल है मतलब स्पीड है नहीं कुछ मतलब एबिलिटी है नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने को टाइमिंग मिलता है वो 52 सेकेंड यानी 3 सेकेंड का डिफरेंस आप कह सकते हो अगर अप्रोक्सीमेट में मतलब लगाओगे तो 3 सेकेंड मान लेते हो ऐसे 3 सेकेंड 3 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा डिफरेंस था बट 3 सेकेंड ही मान के चलो। और इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट आता है तो वो 3 सेकेंड का थोड़ा फर्क हो जाता है बट उतना फर्क तो नहीं होता। तो डबल स्पीड का मतलब यहाँ पे ग्रेना वाले ने भले डबल स्पीड एबिलिटी रखा है बट डबल स्पीड होता नहीं है वो मतलब 10-20 स्पीड ज्यादा होता है। सो 170 तक का स्पीड जाता है 170 से थोड़ा ज्यादा ऐसे डिफरेंस रहता है। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है 2-3 सेकेंड का डिफरेंस रहता है नॉर्मली एबिलिटी वाला कार में। सो मैंने एबिलिटी टेस्ट करके आपको दिखा दिया है। सो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना तब तक ले। Take care.